मैंने आज के संडे की मुरली अव्यक्त मुरली होती है, तो इसके कारण हम आज के दिन वरना हमारा मुरली का सेशन नहीं होता है, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे, क्योंकि कई जन थोड़ा नए मुझे दिख रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। लेकिन हाँ कि हम आज के दिन पूरा जो सोमवार से लेकर या कल तक जो भी हमने मुरली पढ़ा उसके ऊपर हम चिंतन भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते तो भी हम लेते हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे और लास्ट में एक 10 मिनट हम कुछ नए भाई बहनों के लिए अगर कुछ उनको और कुछ क्वेरी है तो लेंगे। लेकिन सबसे पहले सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी आपको होमवर्क दिए गए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या आपने उसके लिए कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया, तो सबके अनुभव, क्योंकि वो अनुभव सुनाने से पहले कई सारे व्हाट्सएप में भी हमें क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप में भी कई सारे भाई बहन जुड़े हुए रहते हैं ना, तो उनको भी अनुभव हम आपको शेयर आज करेंगे, क्योंकि वो जूम में जुड़ते नहीं लेकिन उनको भी कई ऐसे अनुभव है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे कुछ सुनेंगे क्योंकि आप कैसा अभ्यास किया और क्या क्या आपने परिवर्तन किया इस एक वीक में, और किसी को कुछ भी क्यूरी होगी ना, समझ लो इस मंडे से लेकर सैटरडे या कोई भी अव्यक्त मुरली में से, क्योंकि कल हमने देखा कि सुदेश दीदी जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और बड़ों की दुआएं, कितने उन्होंने साकार मुरली अव्यक्त मुरली कितना गहराई से उन्होंने रिलेशनशिप जोड़ा, तो उनमें से भी कुछ आपको अच्छा लगा जो आपको और कुछ क्लियर करना होगा, क्योंकि समय थोड़ा कम होने के कारण हमने थोड़ा कम ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि दीदी जी को भी थोड़ा टाइम का कदर था, क्योंकि उन्होंने 8:20 को ही ज्वाइन हुए थे ना, उन्होंने मुझे बोला था कि 10 मिनट पहले मैं आऊँगी, बराबर वो आए भी, तो थोड़ा सा टाइम का उन्होंने बहुत ही थे जी। रजनी दीदी जी बोलो। सबका माइक अनम्यूट हो रहा है ना, परमिशन दिया है ना। हाँ जी बोलना। अगर कल सुदेश दीदी के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी भाई जी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिनको देखो कि जिनको जिन्होंने भी मिस किया है तो कल का जो YouTube में है वो अभी भी है, तो आप YouTube में जाकर भी सुन सकते हैं, और उसका लगे तो हम इसका जो कुछ कल का मैसेज आपके पास होगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की रिकॉर्डिंग लिंक है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप क्लास सुनना एकांत में बैठकर, क्योंकि ऐसे बड़ों के क्लासेस और खास उन्होंने अव्यक्त मुरली के ऊपर कुछ अपने अनुभव भी बताए, तो जूम जूम में भाई साहब क्या डालना पड़ता है बोल यूट्यूब के लिए? ठीक, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ कोई तो। ठीक व्हाट्सएप पे भेज दीजिए प्लीज। जी, अरे ग्रुप में ही डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको सभी को बताता हूँ कि जो आपने कल ज्वाइन किया ना जूम में, तो उसी के नीचे यूट्यूब की लिंक थी, वो अभी भी उसी लिंक पर वही क्लास चालू है। अगर आप अभी भी आप ट्राई करेंगे ना तो वो यूट्यूब के लिंक पर वो क्लास आपको मिलेगा, जो आपको व्हाट्सएप में मैसेज आया था ना कि ठीक है, थैंक यू भाई जी। उसी पर यूट्यूब के लिंक चालू। ओम शांति भाई जी। भाई जी, नवंबर मंथ का वो जो एक्रोबेट रीडर की फाइल्स होती है व्यक्त मूल्यों की, तो वो लिंक नहीं मिल रहा, वो आप प्लीज जी दोबारा सेंड कर सकते हैं? ठीक। और एक बात है, क्योंकि जो भी ये देखो कि हर मास के पहले ये जो भी मुरली आती है ना, मोबाइल मुरली रीडिंग वगैरह, तो थोड़ा सा अब अलग से किसी को तो सेंड करना, क्योंकि कईयों को हमें मैसेज आते हैं कि वो हमें मिल नहीं रही है, तो हर मास के पहले माना 31 तारीख या 30 तारीख को हम भेजते हैं कि अगले मास का चार्ट, अगले मास का पूरा दिन का,
तो वो क्या होगा, आज संडे है इसलिए हम फिर से सभी को भेजेंगे सभी ग्रुप में, लेकिन आप सभी याद रखना कि वो किसी को तो आप फॉरवर्ड करके रखना ताकि आपके व्हाट्सएप में सेव सेव रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा मास का शेड्यूल उसमें होता है और उसमें पूरे सारे अव्यक्त मूल्य का सब कुछ लिखा हुआ भी आता है। तो ये आपको सबको सबको करना भी है, क्योंकि इतनी मेहनत से वो मोबाइल मुरली का पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसको हम पूरी तरह करना है, मना उसको ये रखना है। ठीक है, और किसी का कुछ है? क्योंकि हम थोड़ा औरों को भी कुछ, मैं व्हाट्सएप के कुछ अनुभव आपको सुनाता हूँ कि जो भाई बहने बाकी भी सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो एक दो जन ने मुझे ये अनुभव लिखा था कि इस अव्यक्त मूल्य ग्रुप में उन्होंने विधि और सिद्धि का भी बहुत अच्छा कुछ कुछ बनाते हैं, तो भेजते रहते हैं कि विधि क्या करनी है, सिद्धि कैसे करनी है। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आप भी थोड़ा इस प्रकार का चिंतन करें कि हर अव्यक्त मुरली से कुछ ना कुछ विधियाँ निकालनी है और सिद्धि क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, माया से कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका मना खुद का भी, और कई मैंने देखा है कि एक भाई एक बहन जी ने मुझे लिखा था कि जितनी भी मुरली में सतयुग की बातें आती है ना वो हम अलग से निकालते हैं, खुद का उनका स्टडी चलता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर वो योग भी करते हैं, और भी ऐसे कई भाई भी उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं, लेकिन मेन मेन अनुभव मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको किस लिए बताया कि आपको भी थोड़ा सा अगर लगता है कि हमें ऐसा कुछ अलग करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के अव्यक्त मुरली का हम जितना चिंतन करेंगे उतना अच्छा ही है, ऐसे अलग अलग योग के प्रयोग, ज्ञान के प्रयोग हमें करना है। ठीक है ना? हाँ भाई जी, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा अभ्यास को बढ़ाना है, क्योंकि हम अव्यक्त मुरली ग्रुप में आए, कल भी दीदी जी ने कहा ना कि अव्यक्त मुरली पढ़ना माना कितनी बड़ी बात है। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि उनको कितनी माना उनका उमंग उत्साह आया, इसलिए आपको हम इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो हमें और कुछ करके दिखाना है, ऐसे नहीं कि केवल हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा हमें धारण भी उसको बहुत करना है। आज बफर डे होने के कारण किसी को कुछ क्वेरी है तो बोल सकते हैं, डायरेक्टली ओपनली बोल सकते हैं, क्योंकि हम सबको आज के दिन अलाउ करते हैं। भाई जी ओम शांति भाई जी, हाँ बोले। एक बात, हाँ भाई जी एक बात कहनी थी। जो बाप दादा मिलन होता है उसके, जो आप एक दिन आपने चुना है बाप दादा मिलन के लिए मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मुरली काफी बड़ी होती है, क्या इसको हम 2 दिन नहीं ले सकते ताकि हम उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें? नहीं, बाप दादा मिलन के लिए ऑलरेडी हम, मुझे लगता है कि मेजोरिटी मुरले सुने हुए होते हैं अगर वैसा देखा जाए तो, क्योंकि डायरेक्ट बाबा के उस दिन हम मुरली सुनते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन के टाइम पे हम करते हैं क्योंकि दोबारा रिवीजन हो जाए इस हल्के से हम करते हैं, बाकी उसको इतना देखो कि हर मुरली को अगर सच्चाई से कहें ना तो हमें खुद को भी थोड़ा बैठकर चिंतन करना है, पढ़ना भी है, भले हम जूम ग्रुप में आते हो तो भी, क्योंकि अपना भी कुछ थोड़ा सा एक आधा पैराग्राफ जब आप सारा दिन में कभी समय मिले सोने से पहले थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि खुद का बाबा बोलते हैं ना खुद स्टडी करना है खुद थोड़ा निकालना है, लेकिन बाबा मिलन के बोले एक दिन उस दिन छुट्टी भी रखते हैं ना, क्योंकि मैंने अगले दिन, क्योंकि ये पूरी मुरली कल के हमें रिवाइज करनी है, लेकिन ठीक है हम बताते हैं, अगर बड़ों ने मान लिया तो आपको मैं बताता, आप हम वो करते हैं। भाई जी, जिस दिन ये बाबा मिलन होता है उस दिन भी हम ये 3 से 5 का योग रख सकते हैं क्या? ठीक है, हम अगर बड़ों को बोलते हैं, अगर बड़ों ने बोला तो हम आपको ग्रुप में जरूर बताएंगे। जी वैशाली बहन जी बोलिए ना। ओम शांति भाई जी, मैं जगदम्बा में सेवा में आई थी ना, तब प्रफुल्ल भाई ने मुझे ज्वाइन किया। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो चार्ट रहते हैं ना,
मैं अभी वो चार्ट कभी कभी होता है नहीं है, तो डेली चार्ट भरना है क्या? चार्ट ठीक है, तो नहीं, चार्ट एक्चुअली वीकली होता है, संडे टू संडे। पुरुषोत्तम भैया बता सकते हैं, है ना ग्रुप में? ओके, एक्चुअली चार्ट केवल ऐसे वीक में एक। हाँ बोलिए भाई। ओम शांति। तो हमें सैटरडे से चार्ट का लिंक आता है, ग्रुप में आता है, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पर आपको चार्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने से आपको वो लॉक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। डेली नहीं भरना है उसको, संडे या सैटरडे को भरना है। ओके भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी जो आप सिर्फ संडे हमारा ये 3 से 5 वाला योग है, ये सैटरडे भी हम लोग करें तो, क्योंकि ये इससे बहुत उमंग रहता है, तो सैटरडे भी छुट्टी वाला दिन होता है, तो सैटरडे संडे। सॉरी, एक्चुअली बड़ों के हिसाब से हम चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि जैसे बड़े कहते वैसे देखो, कि मुरली क्लब भी उनके अनुसार चालू किया, लेकिन बाकी जो दिन है तो अपना खुद का भी थोड़ा सा करना, क्योंकि हमारा वो प्राइवेट समय भी होता है ना बाबा के साथ, तो कुछ कुछ समय होता है प्राइवेट, क्योंकि सारा दिन में हमें कुछ काम करना होता है, तो प्राइवेट समय में बाबा के साथ और मैं अकेले। संडे हमने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा योग को और बढ़ाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हम करके फिर बाद में हम देखेंगे कि बड़ों क्या कहते हैं, लेकिन आपका पॉइंट मैं जरूर सबको बताऊंगी। जी चंदन भाई जी। ओम शांति भाई जी। जो बाबा ने मुरली में कहा था कि एक उंगली रूपी पहाड़ बाबा को दो, व संगठन का पल बाबा ने बोला था, और हेड्स और हैंडल करके बोला था उसमें, तो इसमें मैं जैसे आप लोगों का जो ये अभिव्यक्त मुरली क्लब से जुड़ा हूँ, तो इसमें जो संगठन का बल है, जो अभी बड़ों का आशीर्वाद लेने, इसमें आप लोग कैसे विधि से कार्य करते हैं, जो आज तक ये 5 वर्ष में ये निर्विघ्न रूप में चला, इसके ऊपर संगठन का बल के ऊपर जैसे प्रफुल्ल भाई जी आप लोग निमित्त बन के फिर दीदियों से बहुत कुछ बातचीत करते हैं, जैसे कल का भी सुदेश दीदी ने उधर बताया था कि फोन तो बहुतों का आता है लेकिन मैंने वेरीफाई किया, और उस तरह से उन्होंने बताया, प्रफुल्ल भाई ने फोन किया था, तो जो संगठन है वो कोऑर्डिनेशन का, इसके ऊपर ये अव्यक्त मुरली का जो 10,000 का संगठन है, इसके ऊपर आप कैसे काम करते, इसका थोड़ा सा कुछ वर्क डिविजन व कोऑर्डिनेशन के ऊपर बाबा की मुरली के आधार से कुछ बता पाएंगे, तो उस तरह से हम भी अपने इधर टीम में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, हम उस तरह से कर नहीं पा रहे, इसीलिए अगर हो सके तो जी, नहीं तो अगली बार कोई टाइम मिले के बता सकते। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा ने हमें देखो कि जो कुछ निमित्त है सब कुछ बाबा ही करवाता है, हम बाबा कई बार बोलते हैं ना बच्चों को आगे करते हैं, लेकिन करण करावना और बाबा ही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ भी ऐसा कुछ भाव जो निस्वार्थ भाव है ना, उस भाव को बहुत डेवलप करना पड़ता है, जो बाबा की अव्यक्त मुरलियों से भी हम सुनते हैं। और दूसरी बात है कि सर्व को सम्मान देना, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बड़ों ने अगर कुछ कहा कि नहीं ये थोड़ा स्टॉप करो, तो हम बिल्कुल स्टॉप करते हैं, कुछ भी संकल्प नहीं चलाते कि इसको करना है या इससे ये फायदा हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों में बहुत ताकत होती है, उनके दुआएं की भी ताकत है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात होती है कि सर्वश्रेष्ठ बाबा बोलते हैं ना, स्नेह दो स्नेह लो, क्योंकि जितना हम सबको स्नेह देंगे ना उतना सबका स्नेह मिलेगा, इसलिए तो देखो आप सभी भाई बहने जो भी है इतने प्यार से हर रोज जुड़ते हैं, सुबह भी शाम भी, उसका रीज़न क्या है ना, हमने कभी किसी को मेजोरिटी किसी को देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाबा के प्रति प्यार है, हमारे परिवार के प्रति प्यार है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संगठन का बल जो है ये हमें आगे ले जा रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में, हमने तो छोटा सा एक ग्रुप बनाया था, लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा बनते जाए, इतना बड़ा बने कि उसके, और ये जो हम अकेले नहीं पूरी टीम है, भले दिखते हैं सामने लेकिन इसके देखो ना अभी भी कितने सारे कोस्ट है ये है, तो वो भी सब कुछ बहुत हेल्प करते हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सभी का बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। ठीक है, जो रवि भाई जी आप पे थोड़ा, हाँ जी राम राम प्रकाश भाई जी कोई भी। शांति भाई जी, जब हम ये सैटरडे या संडे को प्रोग्रेस भेजते हैं तो दोबारा वो कहते हैं पुनः सबमिट करिए, ये क्यों आता है? नहीं नहीं आप, हम थोड़ा रिमाइंडर भेजते हैं, अगर आपने एक बार किया होगा तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जैसे जैसे आप अभी करें और इसके बाद पुनः तुरंत उसी समय आता है दोबारा रिसबमिट करो, ऐसा है क्या? आता है? नहीं नहीं नहीं, आपको एक बार सबमिट किया ना तो होता है हाँ। कुछ तो सॉफ्टवेयर का इश्यू होगा, हम उसको चेक अच्छा। करेंगे, लेकिन वो आता है, एक बार सबमिट किया तो कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक, ओम शांति। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन था, बोलो जी। बोलिए भाई, जैसे अभी हम लोग मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं तो इसके अलावा जैसे अभी आपने बोला तो मुरली पढ़ने की विधि, तो बहुत से लोग बोलते हैं मुरली पढ़ने की भी बहुत सी विधियां हैं और अलग अलग विधि पढ़ने से अलग अलग मुरली, एक ही मुरली को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने में डिफरेंस आने से भी जो है मनन चिंतन भी अच्छा होता है और मन बुद्धि उसमें बिजी होते हैं, तो वो मुरली पढ़ने की बहुत सी विधियां कौन सी हैं, वो अगर इसके ऊपर कोई क्लास कराएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको हम एक आधा संडे हम इसको खास टॉपिक भी लेंगे, और हो सके तो अपने ही ग्रुप में थोड़ा सा शेयर भी कोई कर सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा हम बाकियों को भी बोल सकते हैं कि कोई। वंदना दीदी आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी काफी सारा देखा है कि कैसे मुरली पढ़ते, मैंने अलग अलग बड़ों से सुनी है। देखो ये बड़ों से भी हमें काफी कुछ सीखना है, क्योंकि जैसे पिछली बार भी बहन जी आए थे ना, उन्होंने भी मनन करने की विधि जो बताई, जो पिछला क्लास हुआ था पिछले मास, वो भी थोड़ा सुनना, क्योंकि उन्होंने अलग अलग विधियां बनाती थी, तो ऐसे अलग अलग हमें सुनना है और बाकी सुनकर अपना भी कुछ मंथन करना है। जी वंदन जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जैसे अव्यक्त मुरली या साकार मुरली, बाबा ने उसी में देखो विधि दी है। जैसे साकार मुरली का अगर कहे तो प्रश्न उत्तर और सार स्लोगन वरदान तो चलो अव्यक्त मुरली से होता है, तो उसमें हम अपने प्रश्न भी निकाल सकते हैं अलग से साकार मुरली का कहे तो, और अपने उत्तर भी, अपना स्लोगन भी, और वरदानी जो बोल बोले है बाबा ने ये भी, माना ये सिंपल हुआ, बहुत सिंपल। ठीक है, और जैसे ड्रिल कौन सी बताई है बाबा ने, अगर अव्यक्त मुरली की बात करें तो मुरली का एक टाइटल दिया जाता है देखो, तो हम भी अपना कोई टाइटल निकाले कि जो एकदम दिल को छू गया है, और कौन सी बातें बाबा ने, मतलब सार स्वरूप मुरली, विस्तार स्वरूप मुरली, हम अपने आप में ही ये करें कि किन किन बातों का बाबा ने सार सुनाया है, किन किन बातों को लेकर बाबा विस्तार में गए हैं। ठीक है, और कौन सी ड्रिल सबके लिए बताई है और खास मेरे लिए कौन सी ड्रिल बताई है बाबा ने, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं। और सतयुग के बारे में कुछ कहा है क्या, फिर ये पांच स्वरूपों के बारे में बाबा ने अलग अलग क्या कहा है, या कुछ एक स्वरूप के बारे में ही बाबा कुछ कहा है, क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा ज्यादातर अव्यक्त की बातें करते हैं, गहरी धारणाओं की बातें करते हैं, और एक बातों को लेकर विस्तार में जाते हैं। साकार मुरली में अलग अलग लहरें आती हैं, देखो परसों कितना बाबा ने साकार मुरली में अलग अलग कहा, पकड़ना मुश्किल हो रहा था उसको। वैसे जनरली अव्यक्त मुरली में बाबा एक ही लहर को विस्तार करता है, जैसे कल दीदी जी ने भी बोला ना कि अव्यक्त मुरलियां क्या है भाई, रसगुल्ला है बना बनाया, तो हम हमेशा कहते हैं कि अव्यक्त मुरली ये मम्मा बाबा के गुप्त पुरुषार्थ की प्रत्यक्षता है,
क्योंकि मम्मा ने पुरुषार्थ कैसे किया ये कहीं पर नहीं है। बाबा तो चलो साकार बाबा के साथ मुरली में कहते थे कि मेहनत है, भूल जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है, लेकिन मम्मा का नहीं है कुछ भी। तो मम्मा बाबा के कंबाइंड स्वरूप का जो पुरुषार्थ रहा है तो वो है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी सोचे कि जब कोई गहरी बात निकल आती है मुरली में कि ये चिंतन की बात है और इसके भी अंदर मुझे जाना है। अभी जैसे मनन और चिंतन दो शब्द हैं, तो मनन माना मन को संकल्प, किस किस संकल्प में मैं रमा सकती हूँ, क्योंकि मन की हॉबी है, मन का कर्तव्य है कि वो संकल्प करता रहता है ना। और बुद्धि निर्णय देती है। तो चिंतन माना चित्त पे कौन सी बात लेकर मैंने मनन करना है, तो चिंतन के पॉइंट्स अलग निकाले, मनन के पॉइंट्स अलग निकाले। अब मनन और चिंतन और फिर मंथन है ना, तो ये ऐसे हम इसको, और मगन होने के पॉइंट्स कौन से हैं और दिल को अगन लगाने के पॉइंट्स कौन से हैं। तो देखो ये मनन, चिंतन, मंथन, अगन, लगन और फिर संपूर्ण, संपन्न। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं। एक एक हफ्ता सिर्फ मनन की निकाले, एक हफ्ता सिर्फ मगन की निकाले, एक ही मुरली से, है ना। और जब हम केबल हो जाते हैं दीदी, इसके लिए हम अलग डायरी बना सकते हैं ना। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। नशे की पॉइंट, मतलब नशे की डायरी है ना, नशे की लिखो उसमें सिर्फ, मतलब हमने 72 के मुरली में हमें एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार क्या है। तो बाबा ने कहा जब तुम बाबा मिलन करने आते हो, सम्मुख बैठते हो, तो कैसी स्थिति है तुम्हारी, अव्यक्त है ना, तो हमेशा बाबा को सम्मुख समझो। तो देखो इसमें कोई बात नहीं है, ना चार्ट लिखो, ना 8 घंटा योग करो, ना 10 बार मुरली पढ़ो, कुछ भी नहीं। कितनी सिंपल विधि बाबा ने बताई कि बस रावण को अगर विमुख करना है तो तुम्हें बाबा के सम्मुख रहो, तो अपने आप वो विमुख रहेगा। इससे सहज विधि कोई हो सकती है अव्यक्त स्थिति बनाने की, हमेशा उसको सम्मुख समझो। तो सिंपल विधि की डायरी है ना, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, डायरी कर सकते हैं, अपने अपनी बुद्धि को आदत लगा सकते हैं, मन को आदत लगा। देखो बाबा बुद्धि बुद्धि भव नहीं कहता, जबकि बुद्धि का बुद्धिमान है, सबके ज्ञान का तीसरा, बुद्धि का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र कहने वाला बाबा मन मनाभव कहता है। क्यों बाबा ने मन मनाभव कहा, why not बुद्धि का बाबा ने कहा, हम सोचे ना इसके ऊपर, क्योंकि मन ही है जो संकल्प चलाता रहता है, और मन निरसंकल्प नहीं बन सकता, पर विकल्पों से मुक्त होकर एक संकल्प में स्थित जरूर हो सकता। एक संकल्प में स्थित होना माना क्या, दूसरा संकल्प ही ना आए, नहीं, जहां तक हम समझे हैं, हाँ हमारा मनन चिंतन बोलते हैं कि अगर परम धाम में गई है आत्मा तो परम धाम के बारे में ही उसके संकल्प चले। अगर सूक्ष्म वतन में हूं तो सूक्ष्म वतन के बारे में कि मेरा शरीर वहां पर कैसा है, मैं कैसे बात कर रही हूं, मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, मैं खुद कैसे दिखाई दे रही हूँ, माना। तो मन मनाभव होने के लिए एक संकल्प को लेकर विस्तार करिए उसका, तो फिर जो बाबा चाहता है ना मन मनाभव की स्थिति। तो मन मनाभव होने के लिए बाबा ने आज कौन से पॉइंट्स बताए, है ना, जैसे 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले मन मनाभव मना घर चलना है, अब नया ही अर्थ लेकर, अब घर चलना है मना, आप कौन से घर की बात कर रहा है बाबा, जाना तो हमें दोनों घर है, सुखधाम भी जाना है तो शांति धाम भी जाना है। तो ऐसे मन मनाभव की पॉइंट, फिर मध्याजी भव की पॉइंट, और मामेकम याद करो। अब क्या डिफरेंस है मन मनाभव और मामेकम में, तो एक शब्द हफ्ते के लिए लीजिए, समझो कि हमने लिया मन मनाभव। तो हफ्ते भर में
अव्यक्त मुरली से कौन सी पॉइंट है जो मुझे मन मनाभव स्थिति के करीब ले जा सकती है, साकार मुरली से कौन सी ऐसी पॉइंट है जो मुझे मन मनाभव स्थिति के करीब ले जा सकती है। तो ना, क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान रत्न, तो ज्ञान रत्नों से ऐसी खेलपाल करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। क्योंकि बाबा कहते देखो सत्युग में तुम्हारा पढ़ाई कैसे होगा, खेलपाल में। तो वो अब भी हम महसूस करना चाहिए अब भी, कि हम ज्ञान रत्नों से खेले। और कौन खेलेगा? मन और बुद्धि। यहाँ जैसे स्थूल हाथ पैर से खेलते हैं हम, वैसे वहां पर यहाँ पर क्या करते हैं, ये मन और बुद्धि की जो हमारे आत्मा के हाथ पैर है उससे हमें ज्ञान रत्नों से खेलना है। तो क्योंकि अपनी है ना, दूसरे कितने भी मक्खन पॉइंट्स आपको निकाल के दे, आपकी आत्मा नाच नहीं सकती है। कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, नहीं आपको नचा सकता। जब आप खुद सोचे ना कि इस पॉइंट को भले बहुत विस्तार ना हो, थोड़ा सा ही हो, पर देखना क्या खुशी मिलती है। ठीक, शांति। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। ओम शांति वंदना दीदी जी, आपने जो बताया ना, तो वो है ना अव्यक्त वाणी में आप योग प्रैक्टिकल में लेंगे क्या? ठीक है, योग के बारे में ना देखो कई सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। योग भी होता है एक पाँच, हर रोज भी 5-10 मिनट जैसे हम लेते हैं अंत में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी रवि भाई, आप कंटिन्यू करो। ओम शांति भाई जी, जैसे कल सुदेश दीदी जी ने एक अच्छा क्लास कराए, तो एवरी संडे एक ऐसे ही हर एक सीनियर भाई जी का एक अव्यक्त मुरली के ऊपर उनका अनुभव या उनका रिवीजन कैसे सीनियर भाई पढ़ते हैं, बहन पढ़ते हैं, उनका कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा एवरी संडे एक फिक्स टाइम पे क्लास हो गए तो बहुत अच्छा है भाई जी। जी जी, आपका बहुत अच्छा एक सजेशन है, लेकिन हमारा एक थोड़ा सा एक उस ग्रुप का देखो, इस अव्यक्त मुरली का एक विशेष हमने रखा है कि जो भी भाई बहने हैं ना आपस में मिलकर उसको मंथन निकाले। इसके लिए तो हम देखो ना डेली इतना ब्रेकआउट रूम क्यों बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सबका मुख खुलना चाहिए। बड़ों के क्लासेस तो यूट्यूब में भी है, और इस अव्यक्त मुरली क्लब में भी आप जाएंगे ना, तो पिछले साल में भी हमने ये प्रोजेक्ट किया था ना, आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे जी। अव्यक्त मुरली का ये जो यूट्यूब का चैनल है ना, तो चैनल में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे उनके क्लासेस मिल सकते है, तो बड़ों बड़ों के, तो आपको अगर सुनना ही है तो वहां से आप सुन सकते हैं। लेकिन हम मंथली केवल एक ही बार रखेंगे, सुबह और शाम को। तो क्योंकि हमने ये थोड़ा सा इसलिए रखा है क्योंकि ये आपस में देखो कि जो हमें बातचीत करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, तो एक्टिविटी नहीं हो पाता। कई सारे हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे कई बार हम अव्यक्त, जैसे अभी दीदी ने कहा ना कि योग के बारे में, तो हम अगले संडे हमने ये सोचा है कि इस संडे तक जो भी मुरली चली है ना उसको 10-10 मिनट योग में बांट देना। ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रयोग हमें करने होते हैं, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा एक बफर डे चाहिए। जिस किसी को क्लास सुनना है ना, तो अव्यक्त मुरली के चैनल पर आप जा सकते हैं, तो पिछले साल में भी सीजन में भी लिए हैं। जी गौतम दीदी जी, या भाई कौन जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, गौतम भाई जी। ओम शांति भाई जी, कल के दीदी की मैंने क्लास सुनी, बहुत अच्छी लगी। तो कल दीदी जी ने बताया था संकल्प के बारे में, क्लास में बताया था, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मुझे समझ में आ रही है अभी तब मैं जा रहा हूँ, तो संकल्प पे ही सारा चीज है, संकल्प से ही सिद्धि है और संकल्प से ही, तो ये मुझे एक चाहिए था कि कुछ संकल्प पे अगर आप लेते होते, क्योंकि सारा चीज तो संकल्प पे ही चलता है, थॉट प्रोसेस, तो उससे एक अच्छी आती कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे सिद्धि मिलाना है,
मतलब कैसे इसके लिए भाई साहब इसके लिए बुक है संकल्प से सिद्धि, आप लिटरेचर डिपार्टमेंट से लीजिए और उसमें संकल्प के ऊपर 100-150 पेज पे अलग अलग तरह से बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है लेकिन मैं भेज नहीं सकता क्योंकि मुझे कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे आप ट्राई करें तो किताब बाई पोस्ट भी आ जाएगी। ठीक है भाई जी, वो तो है, लेकिन एक क्लास होती तो अच्छा रहता कि हम लोग आपस में डिस्कस करके समझते कि कैसे करना की है। छोटी चीज तो मुझे नहीं लगती है, तो थोड़ी सी अगर एक बफर डे में अगर हम लोग लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। ओम शांति जी। इसके बारे में तो भाई जी बताएंगे ही, लेकिन आप जो कह रहे हैं संकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ब्राह्मणों की या ब्रह्मा मुख वंशावली की शुरुआत ही संकल्प से। कहते हैं ना कि भगवान को एक संकल्प आया कि वो नई सृष्टि की स्थापना करे, तो उसने तो यही, हम ब्राह्मणों के लिए तो नई ही सृष्टि है। आपने सही कहा और अभिजीत भाई इसको नोट करेंगे ही। और जैसे ये मन मनाभव और संकल्प का भी देखो कैसे रिलेशन है। संकल्प बुद्धि में नहीं उठता है, संकल्प मन में उठता है, बट उसको डायरेक्शन देने वाली बुद्धि है ना। जैसे कोर्स के बुक में भी देखिए, मन को लहरों में दिखाया है और बुद्धि को वेइंग स्केल दिखाया है, वेस्ट बेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये बुद्धि कर सकती है। ठीक है, और बाबा जो आप कह रहे हैं ना संकल्प का, तो ये अव्यक्त मुरली का देखो क्या है कि हमें संकल्प कैसे करने हैं, क्या करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, यही तो बाबा बता रहे हैं। हम संकल्प शुद्धि माना अव्यक्त मुरली पढ़ना, संकल्प शुद्धि माना साकार मुरली पढ़ना। ठीक है, हम इस भाव से अगर मुरलियों को पढ़ेंगे ना भाई जी तो हो ही जाएगा वो। ठीक है, संकल्पों के ऊपर ही तो चल रहा है पर, और आपने बिल्कुल सही बोला है भाई जी। किसी ने प्रश्न पूछा है सोनाली श्रीवास्तव कि मन मनाभव और मध्याजी भव और मामेकम याद करो में डिफरेंस बोलने के लिए बोला है। तो मन मनाभव माना हमारा मन, सिंपल अर्थ। ऐसे ही संकल्प करे जो संकल्प हमें बाबा के साथ जोड़े रखे। ठीक है, और शुद्ध संकल्प हो क्योंकि बाबा, और प्योर हो क्योंकि बाबा एवर प्योर है। अगर हम पांच स्वरूपों का अभ्यास भी कर रहे हैं ना तो भी हमारी मन मनाभव स्थिति है, क्योंकि ये पांच स्वरूपों का अभ्यास सिखाया किसने, वो भूल नहीं सकता हमें। कोई छोटी सी चीज भी हमें गिफ्ट देता है ना, सिंपल 10 रुपए की पेन, उस पेन को देख के हमें वो याद आता है। तो आप देखो हर स्वरूपों में बाबा हमारे साथ है। सत्यों में वो वैसा स्थूल में साथ नहीं है, बट ये सत्यों की दुनिया किसने रची, किसके लिए रची, और वो साथ में नहीं बट उसके गुण और शक्तियों से हम साकार में हैं वहां पर, ये याद आता है जब हम ड्रिल करते हैं। क्योंकि देवताएं ड्रिल नहीं करेंगे ना, देवताओं को पता होगा, बट हम अब सब जानते हैं। अगेन ये मन मनाभव है। ठीक है, और पूज्य किसने पूज्य बनाया वो याद आता है, ब्राह्मण तो सवाल ही नहीं उठता कि बाबा याद ना आए, है ना। फरिश्ता किसने सिखाई मनसा सेवा करना, ग्लोब के ऊपर जाके हम वाइब्रेशन फैला सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, ये सब। पर मध्याजी भव माना वर्षा, माना सत्यु के मनन चिंतन करना, उसमें रममान होना, सत्यों की ड्रिल करना, खुद को देवता समझ कर रहना, ये मन मध्याजी भाव है। और मामेकम माना अगेन मन मनाभव और मामेकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, पर डिफरेंस ये कि सर्व संबंध हम बाबा से जोड़े, क्योंकि हम आत्माओं को आदत है संबंधों को याद करने की। क्यों? क्योंकि 5000 साल हम संबंधों में ही रहे हैं। जो सत्योगी आत्माएं हैं ना, उन्होंने बहुत कम टाइम निवृत्ति मार्ग में काटा होगा, क्योंकि शुरू से प्रवृत्ति मार्ग की आदत है ना, बहुत कम टाइम। जब बहुत वैराग आया होगा, पवित्रता खींचती होंगी, तब गए होंगे।
देखो इसीलिए ब्रह्म कुमारीज में गृहस्थी धर्म में रहने वाले लोग ज्यादा है, यह उसका प्रमाण है। तो कोई भी संबंध याद हमें ना आए, हर संबंध हम बाबा से जुड़े तो ही वो याद आ सकता है, क्योंकि हमारे कितने संबंध है। और कलयुग अंत में तो देखो चाचा मामा बाबू बोलता ना बाबा, वहां कोई चाचा मामा नहीं होगा, तुम चाचा मामा काके को याद करते हो। क्यों कहना पड़ता है बाबा को ये? क्योंकि हम उनको याद करते हैं, ऑब्वियस है ना, रिलेशन में है तो रोज नहीं सही, जैसे उनके घर में कुछ फंक्शन है तो जरूर याद आएगा। घर में आए तो उनको देख के थोड़ी हम सोचने लगेंगे ये कौन आया, तुरंत याद आएगा ना, सामने देखे तो मामा आया है, काका आया है, मासी आई है। और देखो सत्यों की शुरुआत कैसी है, इसके ऊपर भी चिंतन करना कभी। वहां पर मासी और काका अंकल नहीं है, वहां पे बुआ और मामा दो ही है, क्योंकि बहन को बहन नहीं है, भाई को भाई नहीं है सत्यों में। वहां रिश्ते भी सार में है। तो ये बाबा जो कहते हैं ना उसका भाव देखो, ब्राह्मण स्वरूप में हम भाई बहन है, जब आत्मा स्वरूप में समझते हैं तो भाई भाई है, और फिर हम जब सत्युग में उतरते फिर भाई बहन बन जाते, लेकिन भाई भाई नहीं बनते। त्रेता अंत तक कहीं ना कहीं समझो तीन बच्चे होंगे या ऐसा कुछ, या द्वापर शुरुआत में, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, बट मनन चिंतन के आधार से। तो ये मामे कम माना संबंधों को याद करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देह और देह के सर्व संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, मुझे याद करो, इतना बोल सकता है बाबा। क्यों आत्मा समझ के बोलते हैं बाबा? क्योंकि देह के साथ सब संबंध याद आते हैं, और आत्मा बोलेंगे तो पहले ही बात हमें सिर्फ परमात्मा याद आता है और कुछ नहीं याद आता। ठीक है, मुझे लगता है सोनाली बहन ओके। दीदी इसमें एक पॉइंट और भी है, जैसे सत्युग में कहते हैं योग बल से संतान होगी, तो हम 150 साल हमारी अगर उम्र है और 110वीं साल में अगर कोई बच्चा होगा, तो मेरा ऐसा पर्सनली सोचना है हमें वो गर्भ धारण या बच्चे का संकल्प ही उस समय आएगा, 100 साल तक हमें आएगा भी नहीं। ये भी तो एक संकल्प का बड़ा मेन पॉइंट है, हमें चीज जो होनी है तभी आई, वो मन में बुद्धि में तभी ली जाएगी। एम आई करेक्ट? जी वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखो अगर पुष्पक में बैठना है और कहाँ जाओ, वहां बैठ के नहीं सोचेंगे, उस संकल्प के साथ बैठेंगे और पुष्पक उस संकल्प से आपको वहां पहुंचाएगा। कि बगीचे में जाना है करके संकल्प के साथ बैठोगे, पुष्पक तो आपको पाठशाला में नहीं लेके जाएगा, आपको वहीं लेकर जाएगा। वहां स्थूल चीजें भी संकल्पों से चलेगी। ये तो अपने पर्सनल बात हो गई है बेबी वगैरह, बट वहां की स्थूल चीजें भी इतनी पावर होगी। और वो पावर क्यों आएगी? क्योंकि हम यहाँ संकल्प से उड़ान भरते हैं। कहाँ पर? सूक्ष्म वतन जाते हैं हम, परम धाम जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना स्थित हो जाओ, क्योंकि जितना हमारे संकल्पों में पावर, हमारे संकल्पों में सिद्धि कब आएंगी? कि मन और बुद्धि की उड़ान जब हम परम धाम ले जाएंगे, वहां पे स्थित कराएंगे, तभी हम सत्युग में आने के लायक बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। क्योंकि वहां सब कुछ संकल्प से होगा, और जो संकल्प उठा माना हो गया, और जो होने वाला है वही संकल्प उठेगा। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो बच्चे, विकल्पों से मुक्त बनो। ठीक जी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखो कि जो भी बाबा के अव्यक्त मुरली जो जिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत गहरे गहरे पॉइंट ना हमको समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि कई बार कई सारे भाई बहनों को मैंने देखा है स्टार्टअप में बहुत उमंग उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे कम होने के कारण फिर मुरली को मिस करना। मना कोई भी हो, साकार हो या अव्यक्त हो, लेकिन मिस नहीं करना, ऐसा थोड़ा सा आपका संकल्प रखना और दृढ़ता को धारण करना, ये सबसे रिक्वेस्ट है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसका साल थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्योंकि 4 साल तक हम ऐसे रेगुलर पढ़ने वाले, तो थोड़ा थोड़ा क्या करना, बाबा की मुरली को
धीरे धीरे हजम करना, और बहुत मजा आ जाएगा। हमें 100% है कि हम ऐसे अव्यक्त मुरली के क्लब के जो जूम द्वारा भी हम आपस में कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो इसलिए आपको जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, तो लास्ट में एक दो क्वेश्चन लेते हैं। साधना दीदी जी। शांति। कल की मुरली जो थी भिन्नता को मिटाने की युक्ति, उसमें आपने कहा था अभिजीत भाई जी आपने कि ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना। तो जैसे कि कल बाबा ने कहा था कि एक नामी एकता में आने के लिए हमको एक नामी और इकोनॉमी वाला बनना है। तो जैसे अभी संकल्पों की बात चल रही थी, तो कल की मुरली में बाबा ने कहा था संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए, समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। तो ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी मतलब, जैसे संकल्पों की इकोनॉमी मतलब हमें संकल्प शून्य कम करना है, और दूसरा जब संकल्प हमारे कम हो जाएंगे तो समय भी हमारा बचेगा, और इसी तरह से ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी मतलब वो भी ज्ञान भी हमको चाहे ज्ञान के ही पॉइंट से, लेकिन वो भी हमें नहीं करना है। तो जब कल की मुरली में बाबा ने कहा कि आप मास्टर जाने जानन हार हो, मैं बाबा बाप दादा सब बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं, बीज रूप है, तो जब हम बीज रूप है तो बीज रूप स्थिति में जब बाबा भी रहता है, तो वहां जब हम मूल वतन में जाते हैं तो कोई संकल्प क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी मतलब हमें संकल्प ही नहीं क्रिएट करना है, मैं खुद ही बीज रूप स्थिति में हूँ और मुझसे सारे गुणों की शक्तियों की वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वही सब आत्माओं को फुल कर रहे हैं, और इसलिए भिन्नता मिटती जा रही है। दूसरों को मैं अपने अविनाशी बीज के संग का जल दे रही हूँ, गुणों का शक्तियों का जल दे रही हूँ, उससे उनको कंप्लीट फुल कर रही हूँ और भिन्नता मिटती जा रही है। तो मुझे ज्ञान के संकल्प भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि संकल्प क्रिएट करना मतलब एक स्टेप नीचे आना। जब हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, तो संकल्प शून्य होते हैं, तब हम बाबा से फुल होते हैं उसकी शक्तियों से, गुणों से। तो चाहे वो संकल्प ज्ञान का भी क्यों ना हो, वो भी हमें एक स्टेप नीचे ही उतरना पड़ता है। तो और संकल्प शून्य तब अनुभव पूर्ण संपूर्ण होता है। 100% अनुभव के लिए हमें ज्ञान के संकल्प को भी कम करना पड़ेगा, ये हमारा चिंतन है, तभी फिर हम मास्टर जानी जानन हार, मास्टर नॉलेज फुल, बीज रूप, बाप समान, क्योंकि बाप समान बन ही गए हैं, तो हमें संकल्प भी ज्ञान के भी संकल्प लाने की भी जरूरत नहीं है, तब हम संपूर्ण है। और फिर वो भिन्नता मेरे आसपास जितनी भी आत्माओं की में भी हम सब हम मार्जिन खत्म होके माइट आ जाएगी सब में, मेरी माइट सबको मैं दे दूंगी। ओम शांति। शीतल बहन बोलिए आप। शीतल बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सबसे अच्छा अभ्यास है कि बाबा कहते हैं ना मुझे अपने साथ रखो, क्योंकि बाबा तो सर्वोच्च हाईएस्ट अथॉरिटी है, पवित्रता का सागर है। तो एक होता है बाबा को साथ रखना, एक होता है कंबाइंड स्वरूप। तो ये दोनों एक है या अलग अलग है, इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखो दोनों तकरीबन एक है, पर बहुत बड़ा डिफरेंस एक है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था साथ रखना और सम्मुख होना, उसमें अंतर थोड़ा सा ये कि कोई हमारे साथ होता है बट साथ नहीं देता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा बुरा समय आया लेकिन आपने साथ नहीं दिया, वो होता हमारे आसपास ही है बट साथ नहीं देता है। और सच्चा साथी कौन होता है? जो हर समय हमें साथ दे, और उसके अनुभव के लिए आपको उसको कंबाइंड रखना पड़ेगा। ठीक, अगर वो कंबाइंड है मुझ आत्मा के साथ
तो वो साथ दे रहा है, साथ निभा रहा है, अलग है ही नहीं ना वो मेरे से। जैसे किसी ने हाथ में हाथ देके चल रहा है, बट जब तुम्हें मुश्किल आती है तो वो साथ नहीं दे रहा है। तो जब वो कंबाइंड है तो वो सवाल ही नहीं उठता ना, वो साथ है भी और साथ दे भी रहा है। ये कंबाइंड स्वरूप मुझे लगता है। ठीक, तारा बहन बोले, बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है चैट के ऊपर। तो मैं अभी पढ़ नहीं सकती मुरली और पॉइंट्स लिख नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर मना किया है हुआ है 2 महीने तक। तो मैं क्या मैं चैट भेज सकती हूँ और वो खाली रहेगा? लाइक मैं पढ़ी नहीं हूँ और मैं पॉइंट्स भी नहीं लिख सकती है, मेरा आँख का कुछ इश्यूज है। तो क्या मैं खाली चैट अपना भेजूँ कि नहीं भेजूँ? चार्ट की बात? चार्ट जी जी, मेरा पर्सनल वीकली चार्ट जो हम भेजते थे, तो मैं अभी जी, तो जी, पढ़ जी, नहीं सकती। एक्चुअली मैंने देखो कई सारे भाई बहन इस ग्रुप में ऐसे भी है जो बोले ना कोई छुपे रत्न भी है, तो उसमें से तारा दीदी को मैंने देखा कि बहुत रेगुलरली भेज जाते हैं। इतना बड़ा उनका आई का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सुबह और शाम को भी अव्यक्त मुरली क्लब में आप आते हैं, इतने अच्छे मुरली का चिंतन करते हैं। खुद उन्होंने फॉरेन में देखो कि इतनी मधुबन से उन्होंने मुरली मंगवाई उधर तक, तो आप इतना अभ्यास करते हैं। देखो तो कोई अगर किसी को कुछ थोड़ा तकलीफ है आई का, तो भले चार्ट के लिए हम आपको भेजेंगे, हम भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप मुरली पढ़ नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते, इसका जेन्युइन इश्यू है। ये चार्ट का हमने इसलिए भेजा था क्योंकि थोड़ा क्या है कि हमें हाथ को भी थोड़ा आदत लगनी चाहिए बाबा के कुछ ज्ञान रत्न लिखने की और कुछ मनन चिंतन लिखने की, लेकिन आपका जेन्युइन इश्यू है इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। आप उसको थोड़ा ज़्यादा ये नहीं करना कि हम नहीं भर पाते नहीं भर पाते, लेकिन आप बहुत ही अच्छा है कि बाबा के रत्न कि इतने होते हुए भी आप हर रोज जुड़ते हैं। क्योंकि मैंने साकार मुरली को भी देखा है कि बहुत रेगुलरली अव्यक्त मुरली बहुत रेगुलरली आप आते हो। इसके लिए आप उसका इतना ज़्यादा ये मत रखना कि मैंने किया नहीं। देखो जो बाबा का मेन उद्देश्य क्या होता है हमारा, या तो इस क्लब का कि मुरली पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर रोज एक, तो वो तो आप कर रहे हो और उसको चिंतन करना। जी भाई, देखो उनका नाम ही तारा है, तो आप बाबा की आंखों का तारा है तारा बहन, और आपका चार्ट सीधे संकल्पों से परम धाम पहुंच। जी थैंक यू जी। छोटी बहन बोलिए, आपका कुछ तारा बहन जो अनुभव होगा तो क्या बता सकते, क्योंकि आपने बहुत कुछ नए नए भी है। और जी मेरा तो बस बाबा में दिल लग गया है और मैं हर वक्त बिंदी को कोशिश करती हूँ देखने की, और हर वक्त मुझे ऐसे लगता हो कि मैं परम धाम मैं जाना चाहती हूँ हर समय। जैसे ये अब हमारे दिल में एकदम मन से आता है ना, तो मुझे बहुत बहुत चेंजेस लगता है, जिसे अव्यक्त अवस्था मुझे मिलती है, बहुत अच्छा अनुभव होता है मेरे दिल को। ओम शांति जी। ठीक है, नेक्स्ट ज्योति बहन बोले। ओम शांति दीदी, मैं वर्किंग हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है। ऑफिस जाने के लिए मुझे सब कुछ करके जाना होता है, और जहाँ पर मैं अभी पोस्टेड हूँ वो एक लेबर कोर्ट है, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का, बहुत आत्माओं का आना जाना होता है, कंप्लेनेंट्स, एडवोकेट्स आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे में मेरा ऑफिस में जाकर भी बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो मेरी वो अवस्था नहीं रह पाती है। मुरली भी जो मैं यहाँ सुबह क्लब में सुन लेती हूँ,
थोड़ी बहुत चिंतन कर लेती हूँ वही, और साकार और अव्यक्त वाणी ऐसे बैठ के पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे सब कुछ करके फिर ऑफिस जाना होता, तो वो अवस्था मुझे नहीं लगती जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। ऑफिस में भी जाके वो ट्रैफिक कंट्रोल में सोचू मैं कर लूँ, इतनी भीड़ और इतना बिजी होता है सब कुछ कि वो नहीं हो पाता है मेरा। तो वो शाम को जाके मेरे थोड़ा सा जब मेरा हल्का होता है तो मैं वो करना शुरू करती हूँ, तब मुझे अनुभूति होती है या मुरली पड़ती, और उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे भी आता है कि थकावट भी होती है थोड़ी सी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँ। जी जी कैसा है ज्योति बहन कि ये जो आपको सेवा दी है बाबा ने, मतलब सर्विस करने की, तो उसमें आप उसकी याद को ऐड कर सकती हैं। जैसे हम हमेशा सबको कहते हर कर्म को पांच स्वरूप के साथ जोड़े, जैसे आप ट्रैवल कर रही हैं तो आप तुरंत ये ख्याल लाए मन में कि सत्युग में मैं कैसे ट्रैवल करने वाली हूँ, पुष्पक रहेगा और पुष्पक कैसा रहेगा, विमान वो जो होगा मेरा कैसा रहेगा, अभी मैं ट्रेन में जा रही हूँ, बाय बस जा रही हूँ, बाय रोड जा रही हूँ, खुद ड्राइव करके जा रही हूँ, तो सत्युग में कैसा होगा। माइंड को ना आप इन चीजों में डालेगी ना तो वो सत्युग की सैर करके आएगा ना, तो ऑब्वियसली आपके मन को थकान नहीं होगी बल्कि एनर्जी भरेगी। फिर जब मैं पूज्य बनती हूँ तो मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ, मैं तो करती नहीं हूँ, मेरी जड़ मूरत है जो ट्रैवल करती है। कैसे भगत लोग रथ यात्रा निकालते हैं, सिर पर मेरी वो जो चरण पादुका है वो लेकर घूमते हैं, हाँ मेरे नाम के जो शास्त्र बने हैं उसकी प्रदक्षिणा वो लगाते हैं, तो ऐसा। और ब्राह्मण मैं बनी हूँ तो मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ, कहाँ जाती हूँ मैं ब्राह्मण बनकर, तो ब्राह्मण बनकर मैं इन चारों स्वरूपों का ट्रैवल करती हूँ। कौन करता है, आत्मा करती है। बाबा की गोद में मैं चलती हूँ, नीचे थोड़ी जमीन पर चलती हूँ, बाबा गोद में लेकर चलता है। जब मैं फरिश्ता बनती हूँ तो मैं तो ग्लोब पर रहती हूँ, सूक्ष्म वतन में रहती हूँ, प्रकाश मैं मेरी काया है। और जब मैं अनादि स्वरूप में हूँ तो मेरा ट्रैवल क्या है, ट्रैवल नहीं करती हूँ, मैं स्थित होती हूँ, कहाँ, बाबा के एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। तो अगर हर कर्म में आप उसको जोड़ेंगी ना इस अभ्यास को, तो थकान लगेगी नहीं और बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात, ये बात हम ऐसे ग्रुप में कहते नहीं बट फिर भी, हम जब मन लगा के जॉब करते हैं और उस जॉब से जो अर्निंग आती है तो उसका थोड़ा हिस्सा हम बाबा के घर में लगाएं, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। तो आप जॉब अच्छे से कर रही है, उससे अर्निंग्स आ रही है, तो वो धन अगर हम बाबा की थोड़ा सा सेवा में लगाएं तो वो धन लगने से आपका मन लगने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ऐसी साइकिल को आप चलाते रहें, ठीक है। हर कर्म में नहा रहे हो तो मैं सत्युग में कैसा पानी होगा, भगत कैसे मुझे दूध दही शहद गंगा जल से नहलाते हैं, और ब्राह्मण बनती हूँ तो बाबा मुझे नहलाते, मामा मुझे नहलाती, ऐसे ऐसे जोड़िएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा ज्योति बहन कि दिन कैसे गया और ऑफिस में काम कैसे आपने कर लिया, विल नॉट कम टू नो, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका। और कैसे, आप अपने खुद के ट्रैफिक कंट्रोल सेट कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम हम करें, अगर कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने लगाइएगा ना ट्रैवलिंग के टाइम पे, आप कर सकते हैं अपना सोने जाने से पहले, अभी जैसे सवेरे 5:45 होता है, आप अपना लगाइए 5:30 अगर आप फ्री है तो, अलार्म क्लॉक्स के अंदर वो गीत डालिए या सिर्फ म्यूजिक डालिए या बाबा याद है क्या, इतना शब्द डालिए अपनी ही आवाज में, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, ठीक, ओके। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे बहुत लाइट कर दिया। ओम शांति वंदना दीदी जी। दीदी सर्व संबंधों को प्रैक्टिकली
इजी तरीका क्या है दीदी, जो पूरा दिन हम बाबा को साथ ही रखे, कंबाइंड रहे, एक बार बताइए ना इजी तरीका सर्व संबंधों का। जैसे संबंध उसके साथ जोड़ना है, तो सपोज आपको दो बच्चे हैं, तो आपको आज से ही और अभी से ही तीसरा बच्चा, जैसे दिखाते हैं ना कहानियों में भी कि पार्वती ने अपने बॉडी के मैल से गणेश को बनाया, तो हम बना ले अभी अपना एक गणेश, कैसा उसको उसमें प्राण फूके, तो हम इमेजिनरी एक तैयार करे बच्चा और वो हम देखे कि ये शिव बाबा है और साक्षात उसको निराकार में महसूस करे। दो बच्चों का, दो बच्चे हैं तो नहीं, मुझे तीन बच्चे हैं, ठीक है। अब पति तो दो नहीं बोल सकते ना, अब पति के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को सजनी समझना पड़ेगा और मेरा साजन अब संगम पर यही निराकार है। और जो जो हमने बातें की थी एंगेजमेंट से हमारी लेकर अब तक, वो हम सब बाबा के साथ महसूस करें। संकल्पों की कारोबार है, देखो ब्राह्मण जीवन ओनली संकल्प, प्रैक्टिकल आपको थियोरेटिकल लेकर आपको संकल्प चलाने हैं और वो प्रैक्टिकल में साकार होते हैं, यही तो संकल्पों की सिद्धि बोलेंगे ना हम। तो हमने वो संकल्प करने हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं अगर बाबा के साथ वो साजन का अनुभव नहीं हो रहा है तो आप अच्छे अच्छे मीनिंग वाले रोमांटिक पुराने गीत सुनिए। देखो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। अब ये कितना सुंदर, इससे बड़ा रोमांटिक गीत कोई हो सकता है, बाबा वो बजाते थे। तो ऐसे करिए, मतलब उसको थ्योरेटिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच में ये प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, ठीक। ओम शांति। मुझे लगता है टाइम हो गया है। थैंक यू दीदी। भाई जी थैंक यू। वंदना दीदी यू हैव डिस्क्राइब्ड सो मेनी थिंग्स वेरी नाइसली, थैंक्स भाई जी। थैंक यू। आपको एक बात बताने, कई सारे क्वेश्चन अभी भी कुछ बाकी है, किसको कुछ पूछना है क्योंकि समय के कारण पूछने, तो हम ग्रुप में डिस्कस करके व्हाट्सएप करना ताकि बड़े भाई बहनों को हम दीदियों को पूछकर आपसे फिर से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि समय देखो क्या, और कल से हमारा रेगुलर 5:50 को ही हम समाप्त करेंगे, 5:45 जो भी है। आज थोड़ा सा संडे था इसलिए हमने थोड़ा लेट किया, कल से हम टाइम पे सब कुछ समाप्त करेंगे, टाइम पे स्टार्ट करेंगे। इसलिए कल सुबह जिनको ज्वाइन होना है 5 बजे, शाम को 9 बजे अव्यक्त मुरली होती है, और हो सके तो शाम को 10-15 मिनट आप जल्दी भी आ सकते हैं क्योंकि योग भी होता है, जिनको योग में रुचि है तो 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले भी ज्वाइन होना। वैसे तो 8:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं शाम को, लेकिन आप अपने हिसाब से आना, लेकिन 9 बजे अव्यक्त मुरली बराबर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सभी को, शायद किसी को कुछ और भी कुछ डाउट्स होंगे तो ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया है कि आपको कुछ भी अगर कुछ पूछना है तो ये व्हाट्सएप मैसेज करना, ऑडियो मैसेज करना चलेगा, लेकिन आपका बाबा बोलते हैं ना सब नाराज नहीं होना, राज सब क्लियर होना जरूरी है और आगे बढ़ना है। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं क्योंकि हम सभी गृहस्थी में रहने वाले भाई बहन है, जैसे अभी बोला ना जॉब के, तो हम भी जॉब करते हैं आईटी में, तो बहुत कुछ बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी बाबा बोलते हैं ना बिजी रहकर भी इजी रहना है, धीरे धीरे आपको तरीका आ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें बाबा की मुरली का स्टडी करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो एक मिनट हम साइलेंस रखते हैं और बाद में हम कॉल स्टॉप करते हैं।
ठीक है, तो एक दो जन ने मुझे बोला है वॉइस पर्सनल के कुछ उनको बताना है, तो बाकी सभी लीव हो सकते हैं। जा रहा दीदी जी, कुछ बोलना है एक इम्पोर्टेंट। हाँ जी, मैं जब योग में बैठी थी अमृत वेले, तब एक क्षण ऐसा आया कि अमृत वेले जो बाबा मुझे ज्ञान धन का जो झोली भर रही है, तो एक क्षण ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो ऊपर ऊपर चल रही है, और मुझे बहुत टच किया। तो मुझे ऐसा प्रश्न था कि जैसे हीरे जैसे, संगम युग है हीरे जैसे, और सत्ययुग है सोना जैसा, तो ये बाबा जो आपके साथ बातें करते इसलिए बोल रहे हैं कि हीरे जैसे, क्या और क्या है तो बोल सकते हैं आप। ओम शांति। देखो भाई जी बोली, नहीं नहीं बोलना बोलना, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है बोलना। ऐसा है ना कि आपको अभी कहा जाए अरुणा बहन कि सारी दुनिया की दौलत आपको दे देते हैं, सारी दुनिया की, और एक तरफ बाबा, आप किसको चुनेंगी, किसको चुनेंगे आप? बाबा बाबा को, है ना, इसलिए वो हीरे जैसा, क्योंकि यहाँ बाबा साथ है। यहाँ हमारे, हम कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, कहने का भाव कि हमारे पास इतनी सारी धन दौलत नहीं है, लेकिन जो सबको धन दौलत बांटता है आज वो मेरे साथ है। तो देखो क्या मांगे, क्या चाहना रखे, और हीरे से वैल्यूएबल कुछ है नहीं। इसलिए बाबा संगम युग को हीरे तुल्य कहता है, क्योंकि साकार में, अव्यक्त में, निराकार में, तीनों रूपों का अभ्यास, सॉरी अभ्यास नहीं कह सकती मैं, अनुभव हम अभी ले सकते हैं। इसलिए ये संगम युग हीरे समान है, और जब हीरा सोने में बैठ जाता है तो वो उसकी चमक और सोना दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। वो हम सत्युग में है, कंचन काया और हीरे समान चमकती मैं आत्मा सत्युग में हूं, इसलिए स्वर्ग की महिमा है। बाकी सभी इसमें देखो, जन्नत बोलते हैं, बहिष्ट बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, हेवन बोलते हैं, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा, क्योंकि संगम गुप्त है। जो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, ये कोर्स करते हैं, उन्हीं के लिए संगम युग है। दुनिया के लिए तो कलयुग ही चल रहा है अभी भी। ठीक, ठीक है, फिर हम समझते हैं कि हो गया है अभी 6-7। हाँ जी, हाँ जी, ओके। मुझे लगता है कि सबके डाउट्स क्लियर होंगे। आज थोड़ा संडे होने के कारण हमने सोचा कि जिस किसी के भी डाउट्स होंगे ना क्लियर होंगे तो अच्छा है। ओम शांति भाई जी, नमन आप सब देवों की आत्माओं को। मुझे पता है टाइम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम आप डिस्कस कर लें ये क्वेश्चन, दैट्स नॉट एन इश्यू। पर मैं बोल देती हूँ, डिस्कशन चाहे आया इसका उत्तर अगली बार दे दें, कि भाई ने बोला था ना, रमनाथ भाई आए थे, रमननाथ भाई, कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं हीरे से सोना बनने की, इस पे चिंतन करें। तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं सोच रही थी अगर वो हम सब शेयर कर सकते हैं, लोगों ने क्या उसका चिंतन किया और आत्माओं ने, और क्या क्या मंथन निकाला उसमें से ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब आपको लगे सही, हीरे से, आपने क्या बोला, हीरे से सोना, हाँ, रमन्नाथ भाई आए थे ना, या सोने तो उन्होंने बोला था, सोने से हीरा होंगे शायद, पता नहीं, मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला था कि हम ब्राह्मण से, हम ब्राह्मण हीरे तुल्य जन्म है, और देव देव आत्माओं का सोने जैसा माना जाता है ना, तो हम हीरे से सोना बन रहे हैं, तो हम क्या पुरुषार्थ, मतलब ये पुरुषार्थ करने वाली बात है, ऊपर जाने वाली बात है, कि जब तुम नीचे जा रहे हो क्या उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसा उन्होंने चिंतन बोला था करने के लिए।
मुझे याद आपको आई डोंट नो याद है कि नहीं, पर मुझे क्लियरली याद है क्योंकि वो थोड़ा सा कह सकते कॉन्ट्रोवर्शियल या कॉन्ट्रोडिक्ट्री था ना कि भाई तुम पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ते हो ना, तो यहाँ तो हम हीरे से सोने जैसा हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, तो मेरी थिंकिंग में ये था कि हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, हम पुरुषार्थ तो ब्राह्मण बनने की कर रहे हैं, जब हम पूरे ब्राह्मण बन जाएंगे देवता तो उसका रिवॉर्ड है ना, तो वो तो मिल ही जाएगा, तो हम देवता बनने के लिए हम संपूर्ण मतलब प्योर ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरा ऐसा चिंतन था उसके। तो मैं सोच रही थी और आत्माओं ने क्या चिंतन किया होगा, किस एंगल से सोचा होगा, बाकी आप नेक्स्ट टाइम या किसी जी, और टाइम जब नेक्स्ट टाइम हम भाई जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो बहन ने अभी पूछा, भाई ने वही मनन चिंतन करने के लिए कहा था पॉइंट कि जैसे कि हम बच्चे 10th ग्रेड में जा रहे हैं कि 12th ग्रेड में जा रहे हैं, तो हीरा जब हम यहाँ पे बनते हैं संगम पर, तो संगम युग में जो हम हीरा बनते हैं ये जैसे हीरा तो कॉस्टली होता है ना, मगर सोना नहीं इतना, तो वही कंपैरिजन के बारे में उन्होंने होमवर्क दिया था कि मनन चिंतन करना, तो जैसे बहन ने भी पूछा, तो हम एक क्लास ये सारी शेयरिंग रख सकते हैं ना भाई जी, उस दिन प्रफुल भाई ने होस्ट किया था ये प्रोग्राम, आप थे या नहीं थे याद नहीं, मगर उस दिन था ये एक्चुअली सैटरडे के दिन शायद रात्रि क्लास में स्पेशल क्लास जो होता है ना 8:30 9:30 वाला, उसी में आप याद देना अगले बफर डे पर हम ले लेंगे इसको। अच्छा ठीक ओके, सैटरडे को व्हाट्सएप नंबर को थोड़ा याद देना कि ये करना है तो हमें भी याद। हाँ जी 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 जरूर मैसेज भेजेंगे आप। ठीक हाँ जी ओके ओम शांति एवरीवन हैव अ वंडरफुल डे। ठीक है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने बहुत अच्छा चिंतन भी किया। धन्यवाद आप सबको, गुड मॉर्निंग, ओम शांति और हैव अ नाइस डे। ओम शांति, थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी ब्राह्मण। ओम शांति, थैंक यू बाबा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सारी टीम को, ओम शांति।